शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक दिन की मैंने छुट्टी ली है, उसमें भी मुझे आराम नहीं दोगे? अरे मैंने तुम्हें सब कुछ बता के रखा हुआ है, सारा मेल पे भेजा हुआ है, क्यों चेक नहीं करते हो तुम? हाँ, और वो शर्मा के साथ फॉलोअप करो, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी हमको मिलना चाहिए, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत की है उसके पीछे, ये जानी नहीं चाहिए। ऑल राइट, रिपोर्ट देते रहो। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। मैं देखती हूँ आप अपनी बीपी के मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते। देखिए आपकी बहन कितना ख्याल रखती है हमारा। ये लीजिए। हाँ, काम का तो स्ट्रेस रहता ही है, लोग ऐसे हैं। अरे यार पता नहीं चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा अनईजी लग रहा है। आप रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं, थक गए होंगे। ये भी सही है। हे भगवान, मैं ऐसा करता हूँ यहीं आराम कर लेता हूँ, तुम लोग बैठ कर बात करो। दर्शन, दर्शन, शाल, क्या कर रहे हो? छोड़ू। अरे अब सब्र ही तो नहीं होता, पर तुम चिंता मत करो, इसको ऐसी गोली दी है ना जो बड़े बड़े करवट नहीं ले पाते, तो उतना तो दूर की बात है। तुम भी ना। विशाल, मुझे डर लग रहा है कि यहीं पर है और हम ये सब कर रहे हैं। मेरे रूम पे चले? ठीक है, चलो। विशाल, के? नीता, अरे नीता दरवाजा खोलो, नीता मैं हूं। अब क्या करें? तुम तो कह रहे थे घंटों करवट नहीं लेगा, ये क्या है? मैं खुद सरप्राइज हूं, लगता है वो गोली नकली है। दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो तुम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अब क्या करें? कहां हो तुम? नीता मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ हो तुम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? और वो तुम्हारा तुम्हारा वो भाई विशाल है कि गया? वो भैया को वॉशरूम यूज करना था, तो नीचे वाले वॉशरूम का फ्लश खराब था,
तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। भैया आपको इंटरव्यू के लिए जाना था ना, लेट हो रहे होंगे आप। हाँ हाँ याद आया, मुझे जाना है। ठीक है जीजा जी, मैं मिलता हूँ। बेटा मैं तो पहले ही कहती थी ये चक्कर कुछ और है। कैसे बातें करते हैं, कैसे देखते हैं, ऐसा कोई भाई बहन करता है क्या? अगर उसको बाथरूम इस्तेमाल करना था तो वो नीचे का बाथरूम इस्तेमाल कर सकता था। वो नीता के कमरे में क्यों गया? और वो भी दरवाजा बंद था अंदर से। मैं नीता से विशाल के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीता के पिता से पूछ लूंगा। आप चिंता मत करो। नीता, तुमसे कुछ बात पूछनी थी। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे गांव के सभी रिश्तेदार आए थे, सिर्फ विशाल या विशाल के परिवार से कोई नहीं आया था। तो बताया तो था आपको कि तब उनके परिवार और हमारी बातचीत बंद थी, इसलिए नहीं आए। हाँ नीता, वो तो तुमने बताया था। क्योंकि शादी का सारा खर्चा मैं दे रहा था तो मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा भी था कि गांव के अगर किसी रिश्तेदार को वो बुलाना भूल गए हो या नहीं बुलाया हो तो बुला सकते हैं, ताकि बाद में कोई ये ताना ना दे कि बेटी की शादी थी तो पिता ने बुलाया नहीं। लेकिन उस समय भी उन्होंने विशाल या विशाल के परिवार का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ नहीं बताया तो कोई जुर्म कर दिया क्या? माफी मिलेगी जज साहब? कैसी बातें कर रही हो? मैं सब समझती हूँ, आपके सवाल जवाब और ये शक। शक? आपको क्या लगता है, मुझे दिखाई नहीं देता या मुझे समझ नहीं आता? जब से विशाल भैया घर आए हैं तब से आपने और माजी ने न जाने कितने सवाल कर लिए मुझसे उनके बारे में। मैंने बताया है कि वो दूर के रिश्ते मेरे भैया लगते हैं, फिर भी भाई बहन के रिश्ते पे कोई शक करता है क्या? नीता, आई एम सॉरी। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। नीता, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है विशाल। पहले वो आदमी किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता था, वो तुम्हारे और मेरे बीच आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पाने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विशाल। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ नीता। मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो तो क्या कोई और हमारे बीच में आए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, और दर्शन के रहते ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो दर्शन की दौलत में मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और इसलिए बाबा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारी उसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। एक काम करते हैं, उसे ही दुनिया छोड़ा देते हैं। तुम्हारा मतलब? दर्शन को मार देते हैं।